सो मैं आराम से बैठी थी, एकदम से मेरी फ्रेंड का कॉल आया। वो रहती है पंजाब। ये क्या भिजवाया उसने? केक भिजवाया। थैंक यू ब्रो, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, 1K, ये। अब मैं उसको वीडियो कॉल कर लेती हूँ और फिर ये केक कट कर लेते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज याश्कन, यू वॉचिंग। सो आज हम करने वाले हैं Q&A वीडियो रिकॉर्ड। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों से बोला था कि क्वेश्चन नीचे कर देना कमेंट, या फिर इंस्टा पे स्टोरी डालूंगी वहाँ पे लिख देना। तो काफी क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन रेपिटेटिव है। तो वहाँ पे हम करते हैं अपने लिए कॉफी रेडी और फिर आराम से ये वीडियो को हम थोड़ा चिल वे में बनाएंगे, आराम से कॉफी ले लेते हैं, फिर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर कर देती हूँ सारे। सो आई एम रेडी विद माई कॉफी। अब तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्वेश्चन से पहले जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन वो यही थे मेरे बारे में कि एज और कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड। तो वो सब क्वेश्चंस को मैं इकट्ठे ही आंसर कर देती हूँ अपने इंट्रो की तरह कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। सो मेरा नाम है याशिका, मेरा पूरा नाम है याशिका मल्होत्रा, जो कि तुम मेरे चैनल के नाम से जानते ही होगे। और मेरी एज / उम्र है 19, क्योंकि मैं 19 दो महीने में हो जाऊंगी, तो 19 की हूँ मैं। और क्या नाम है, कहाँ से हूँ, वेर आर यू फ्रॉम, ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत लोगों के सही अजम्पशन लिख दिया था उन्होंने, मैं मेंशन कर दूंगी जिन्होंने सही गेस किया। सो यस, मैं हूँ राजस्थान के एक शहर अलवर से, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। पढ़ाई के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं पहले बता दूँ, और कईयों ने तो भाई पूरी जन्म कुंडली निकाल दी थी मेरी। सो करंटली मैं 12th पास हूँ और अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाने वाली हूँ। सो यस, कोविड की वजह से काफी तुम लोग को पता ही है यार, जो होंगे अभी इस समय में करंटली फर्स्ट ईयर में होती है, अगर इतने प्रोसीजर लेट ना हुए होते तो बहुत जल्द कॉलेज फर्स्ट ईयर। सो अभी करंटली 12th पास हूँ मैं। सो अब तुम लोग के इंडिविजुअल क्वेश्चन ले लूँ। आप राजस्थान में रहते हो, सिद्धि जैन ने पूछा था, तो यस सिद्धि, मैं राजस्थान में रहती हूँ। वॉट यू विल डू विद योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम? ऑलमोस्ट $100। आने तो दो पहले यार। सो क्या करूंगी अपने पहली इनकम से? देखो मैं बताती हूँ, अभी करेंटली मैं तुमको अपना सेटअप दिखाऊंगी ना इस फोन से रिकॉर्ड करके, तो मैंने काफी टिका के अपना फोन टिका रखा है। तो अभी करेंटली मेरे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है ना यूट्यूब के लिए। ऐसा नहीं है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या हम नहीं ले सकते, बट मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था कि यार एक बार मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और 1K मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं अपनी इक्विपमेंट्स खरीद लूंगी। सो मे बी पहली इनकम से यार इक्विपमेंट्स खरीदूंगी, और अगर इक्विपमेंट्स नहीं खरीदे मैं और डिले करा तो फिर आई गेस मम्मी के लिए कुछ खरीदूंगी। नेक्स्ट है इन्होंने सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल यू डू अ होम टूर? पता नहीं, अभी रिसेंटली तो नहीं करी। हाँ फ्यूचर में करेंगे यार, ऑफकोर्स करेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम रुके। हाउ वॉज योर पेरेंट रिएक्शन ऑन 1K सब्सक्राइबर्स? यस प्लीज टेक माई क्वेश्चन। पेरेंट्स का रिएक्शन खुश थे, ऑफकोर्स मैं खुश थी तो सभी खुश थे, ऐसे कोई बहुत डिफरेंट रिएक्शन नहीं था यार बताने लायक। देवांश द्विवेदी ने पूछा है, डू यू वॉच एनीमे? इफ येस देन मेंशन सम ऑफ योर फेवरेट वंस। सो अभी यार मैं के ड्रामाज और के पॉप में काफी ज्यादा इंडल्ज हूँ, मतलब एनीमेज मैंने यार अभी तक कोई देखे, आई एम सो सॉरी। बट देवांश द्विवेदी, मैं चाहूंगी यार तुम कमेंट करके मेरे को सजेस्ट करो, क्योंकि नरूटो और ये नाम मैंने बहुत बार सुने हुए हैं लोगों के मुंह से, और इस समय मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखते हैं और काफी पॉपुलर है एनीमे, तो मैं देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। तो तुम मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन से देखने चाहिए, अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा यार। सो पहला क्वेश्चन है जियोन ओरा की तरफ से, व्हाट इज योर एज? तो मैंने बता दिया मेरी एज है 19 साल, मतलब 19 की होने वाली हूँ, अभी 18 हुई हूँ। What's your height? Do you know BTS? Of course, yes. मैं BTS आर्मी हूँ। अब जिनको नहीं पता BTS कौन है, काफी मुश्किल है तुम लोगों के लिए। BTS एक बॉय बैंड है जो कि काफी अच्छा है, कोरियन बॉय बैंड है BTS। और आर्मी बोलते हैं जो उनके फैंडम होते हैं और जो उनके फैंस होते हैं, उनको टर्म दिया, मतलब हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज होती है आर्मी। इफ येस, हु इज योर बायस? देखो भाई मैं हूँ 47, मैं अपने मन से सातों मेंबर्स को पूरा सपोर्ट करती हूँ। फर्स्ट बायस मेरा किम तेहंग ही था, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं फर्स्ट बायस वाला, बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि पहले बायस मेरे किम तेहंग था वी, बट मेरा करंटली बायस है जिमिन।
What things do you love to do in your free time? YouTube तभी कर रही हूँ मैं शायद. कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लेना मेरे को बचपन से ही बहुत पसंद है, मतलब स्कूल टाइम से और छोटे होते से ही. तो मैं हमेशा लेती थी, पार्टिसिपेट करती थी डांस में, सिंगिंग में. कभी सिंगिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ बेकार है, बट मेरे को फिर भी टीचर ले लेती थी देख के कि चलो आ जा बेटा तू आ जा. तो यार कुछ स्टार्ट ही कर लेता है, इसलिए यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ. बट वैसे फ्री टाइम में अगर मेरे को पूछा जाए तो मैं गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है. म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी. ना गाना तो आवाज़ अच्छी नहीं है, बट गाने बहुत सुनती हूँ मैं. मतलब फॉर एवर गेमर्स ने क्वेश्चन पूछा है, आपके 10th में कितने आए थे? ये और किसी ने भी पूछा था. 10th में मेरे आए थे 96.8%, बस 96.8% आए थे. फिर किसी ने पूछा है, जिज्ञासा ने, व्हाट आर यू स्टडिंग करंटली, योर परसेंटेज इन क्लास 12th, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर मॉम डैड. हाय जिज्ञासा, सो मैं करेंटली बताया कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरे पास PCM है. सो फ्यूचर में मैं क्या करूँगी वो तो मैं बाद में बताऊँगी तुम लोग को, मतलब यार जब हो जाएगा. अभी तक योर परसेंटेज इन क्लास 12th, सो क्लास 12th में मेरी परसेंटेज है 93%. और प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर मॉम एंड डैड. सो यार सबके मॉम एंड डैड जैसे होते हैं वैसे मेरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव. मेरे डैड बिजनेस करते हैं, मेरी मम्मा एक टीचर है. जल्दी से एक क्वेश्चन है तेरे लिए. Yes. जल्दी जल्दी इधर देख, अपनी जीएफ का नाम बताओ जल्दी. चाहती है? कोई नहीं है, सिंगल है. सिंगल है तू? व्हाट इज योर लाइफ गोल, व्हिच प्रोफेशन ऑफ फील्ड यू लाइक टू जॉइन? यार लाइफ गोल पता है क्या है, मैं जो बिलीव रखती हूँ, आपके चांसेस कुछ अचीव करने के उतने ही ज्यादा होते हैं जितना आप अपने गोल्स अपने तक रखो. बस एक लाइफ चाहती हूँ जिसमें मुझे कोई रिग्रेट ना हो, तो बस मुझे ऐसा ना लगे कि यार जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई, या एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया. मे बी मैं ट्राई करती तो शायद मैं कुछ बहुत बड़ा कर जाती उस फील्ड में, तो मैं ये नहीं चाहती. माई क्वेश्चन फॉर यू इज योर फेवरेट के ड्रामा एंड अ फेवरेट सॉन्ग अदर देन दैट ऑफ BTS. माई फेवरेट के ड्रामा, तो मैंने जब के ड्रामाज देखने स्टार्ट किए थे तो पहला के ड्रामा मैंने देखा था द लेजेंड्स ऑफ ब्लू सी, वो आज तक का मेरा वही फेवरेट है. मतलब मुझे बहुत सारे के ड्रामाज पसंद है यार, ऐसे लेजेंड्स ऑफ ब्लू सी, द हायर्स, स्कूल ऑफ 2017, स्कूल 2017, और कौन कौन से देखे मैंने, डिसेंडेंट ऑफ द सन, और भी बहुत सारे यार के ड्रामाज देखे हैं, बहुत सारे पसंद है मुझे, सारे बहुत पसंद है मुझे. बट यार द लेजेंड्स ऑफ ब्लू सी एक ऐसा ड्रामा है जो मैं कितनी बार भी देख लूँ ना मैं बोर नहीं हो सकती. एंड अ फेवरेट सॉन्ग अदर देन BTS, तो BTS के तो सारे गाने मुझे पसंद है, अदर देन BTS यार बहुत सारे गाने हैं. मेरे फेवरेट सॉन्ग है करंटली जो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मतलब जिससे मैं एडिक्टेड हूँ, है स्ट्रॉबेरीज एंड सिगरेट्स. एंड स्ट्रॉबेरीज एंड सिगरेट एक ही गाना है, और दूसरा गाना है द वैम्स का Somebody to You, मतलब मुझे उसके लिरिक्स बहुत पसंद है. हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? किसने पूछा ये क्वेश्चन? आई हैव नो मनी. कुछ नहीं मिलता भाई, अभी बनाएंगे पैसा, अभी कुछ नहीं मिलता. कितनी बार जिंदगी से परेशान हुई हो, मतलब सीरियसली? रोज ही होती हूँ. रोज का है अपना. यार देखो जिंदगी से कोई परेशान नहीं होता, जिंदगी में जो सिचुएशंस आती है ना इंसान उससे परेशान हो जाता है. तो मतलब मेरे साथ ऐसा है, मैं काफी हूँ भी, मैं सच्ची में जवाब दूँ ना विदाउट एनी फिल्टर, तो मैं रोज ही होती हूँ किसी ना किसी सिचुएशन को लेके. मैं रोज डिप्रेशन में होती हूँ 10 मिनट के लिए कि मेरा लाइफ बर्बाद हो गया यार. एक मोटो ट्यूब ने क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर रिडन ऑन अ मोटरसाइकिल? नहीं जी, नहीं किया. मतलब यार मेरे को बहुत फैसिनेशन है कि मेरे को बाइक चलाना सीखना है, स्पेशली बुलेट. व्हेन यू बिकेम एन आर्मी एंड हाउ? सो यार इस पे अगर BTS आर्मी तुम लोग चाहो तो मैं अलग से भी वीडियो डाल सकती हूँ, छोटी सी ही सही बट अलग से भी. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ, तो मैं आर्मी बनी हूँ 2020, काफ़ी लेट बनी हूँ यार, लास्ट ईयर 2020 में बनी हूँ, वो भी थ्रू माई फ्रेंड मानवी. तो हम दोनों साथ में ही BTS आर्मी बने, मतलब एकदम से नाम लिया कि किम ते हंग देखा है तूने? मैंने कौन है ये किम ते हंग? तो फिर उसके बारे में सर्च किया तो BTS के बारे में पता लगा, किम ते हंग काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उनका म्यूजिक देखा. BTS पहले मुझे पता था कौन है, मतलब ऐसे सुना हुआ था बट कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि, और जब देखा उस बारे में, उनका उनके गाने सुने, उनके कंटेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा. दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप मैंने तुम्हारे सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, कोई क्वेश्चन मिस आउट नहीं हुआ है. बेसिक इन्फॉर्मेशन यार ये पहला Q&A था, तो तुम लोग को कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में. कीप सपोर्टिंग गाइज, अभी जो ग्लिच आया था यूट्यूब की वजह से उसकी वजह से थोड़ा चैनल का मतलब व्यूज और वो थोड़ा डाउन हो गए, क्योंकि बीच में थोड़े घंटों के लिए चैनल बिल्कुल बंद था. मतलब मेरे को तो बाद में पता लगा था, उससे पहले भी कितनी देर तक शायद नहीं दिख रहे होंगे उस पर सब मतलब वीडियोस.
सो उसको कवर अप करने के लिए इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, नहीं तो और भी जो वीडियोस है चैनल पे उसको जाके देख सकते हो। जो वीडियो पसंद हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल के बारे में बताओ, थोड़ी रीच बढ़वा दो यार। और आप लोग जो भी इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो यार, उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। एक और अनाउंसमेंट तो क्या ही है, बट स्टिल मैं अपनी वीडियो के एंड में किसी किन्हीं दो अपने दो सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाली हूँ। यार जरूरी नहीं है तुम्हारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए तभी शाउट आउट, मतलब मेरे शाउट आउट से क्या ही होगा, बट मैं जस्ट अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कमेंट्स करते हो, तो यार मैं मेंशन करना चाहती हूँ उनको। तो इस वीडियो के एंड में मैं अभी दो लोगों का कमेंट पिन कर दूंगी, ऐसे ही हर वीडियो के अंदर जो मुझे कमेंट्स पर्सनली सबसे अच्छे लगेंगे। तो तुम अपने कमेंट के साथ हैशटैग याशिका भी लगा सकते हो, उससे मेरे को वो कमेंट मतलब जल्दी अलग से आउट होगा और संभावनाएं बढ़ जाएंगी तुम्हारी कि मैं वीडियो के अंदर को शाउट आउट दे दूं। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहा करो यार, बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।